डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कांग्रेस की परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही स्टॉप। राजस्थान कौमा छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद घर की खींचतान अब केरल तक पहुंच चुकी है स्टॉप। केरल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीएम सुधीरन ने एआईसीसी से इस्तीफा दे दिया है स्टॉप। अपनी उपेक्षा से नाराज सुधीरन ने राज्य नेतृत्व पर गुटबाजी फैलाने का आरोप लगाया है स्टॉप। पिछले सप्ताह ही केरल में पार्टी के 2 महासचिव भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं स्टॉप। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के लिए सुधीरन की नाराजगी किसी बड़े संकट से कम नहीं है स्टॉप। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को सर्वाधिक 15 सीटें इसी राज्य से मिली थी स्टॉप। राजनीतिक हलकों में ये सवाल रह रहकर उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आखिर अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रही ? गोवा में भाजपा से 4 सीट अधिक जीतने के बावजूद राज्य में पार्टी सरकार नहीं बना पाई स्टॉप। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी सरकारें गंवा दी स्टॉप। और अब जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी नेताओं में आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही स्टॉप। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है स्टॉप। पहले वरिष्ठ नेता जतिन प्रसाद पार्टी छोड़ गए और उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपोतर ललितेशपति त्रिपाठी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं स्टॉप। यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और 2-4 नेताओं के अलग होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता स्टॉप, लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही स्टॉप। इसके पास अभी ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है कौमा जिसके सहारे पार्टी चुनावी नैया पार कर सके स्टॉप। राजस्थान कौमा छत्तीसगढ़ व पंजाब में इसकी सरकारें हिचकोले खा रही हैं स्टॉप। हर जगह गुटों में बंटी पार्टी को एक मंच पर लाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा स्टॉप। सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं है स्टॉप, सवाल मजबूत विपक्ष का भी है स्टॉप। ऐसा विपक्ष जो संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाए रख सके स्टॉप। अगर प्रमुख विपक्षी दल आपसी लड़ाई में ही मशगूल रहेगा तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन ? बात इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है स्टॉप। हरियाणा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक पार्टी के हाल एक से हैं स्टॉप। केरल से राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे हैं स्टॉप, लिहाजा वहां पार्टी की गुटबाजी नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी उन पर भी आती है स्टॉप। पैरा सूचना तक पहुंच के महत्व को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अक्टूबर 2019 में हुए 74वें सत्र के दौरान 28 सितंबर का दिन सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था स्टॉप। इससे पहले 2015 में ही यूनेस्को के आम सम्मेलन में 38C संकल्प 57 को अपनाते हुए हर साल 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई थी स्टॉप। वर्ष 2021 की
थीम जानने का अधिकार, सूचना तक पहुंच के साथ बेहतर पुनर्निर्माण और विनिर्माण की रणनीति है। स्टॉप यह थीम इस तथ्य को उजागर करेगी कि सटीक और विश्वसनीय जानकारी की जरूरत जनता को इससे पहले कभी नहीं रही है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों को कोविड-19 से उबरने के बाद समुदायों और संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करना है। स्टॉप यह समझना बेहद जरूरी है कि विश्वसनीय सूचना तक पहुंच से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं, कौमा, जबकि इसके विपरीत गलत सूचनाएं और अफवाहें कई तरीकों से भारी पड़ सकती हैं। स्टॉप यह वह सबक है जो हमने हाल के वर्षों में अपनी गलतियों से सीखा है। स्टॉप चाहे कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई हो अथवा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर बहस पर सहमति देनी हो, कौमा, हमें नींव के रूप में निष्पक्ष, कौमा, विश्वसनीय और स्वतंत्र जानकारी की जरूरत होती है जिस पर लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण किया गया है। स्टॉप यही कारण है कि यूनेस्को के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह इसके संविधान में भी निहित है। स्टॉप और इसी कारण इस मौलिक मानव अधिकार का सतत विकास के वर्ष 2030 एजेंडे का लक्ष्यों में भी शामिल किया गया है। स्टॉप और अंततः इसी कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को IDUAI के रूप में मान्यता दी। स्टॉप इस दिन यूनेस्को में शामिल देश, कौमा, संयुक्त राष्ट्र के बाकी देशों के साथ अभिस्वीकृत करते हैं कि यह अधिकार डेटा, कौमा, सूचना और जानकारी प्राप्त करने की कुंजी है और नागरिकों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में सशक्त बनाता है। स्टॉप पैरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर होने वाले आयोजन यह आह्वान करने का अवसर प्रदान करते हैं कि किस तरह सूचना का अधिकार लोगों को समकालीन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है, कौमा, साथ ही सूचना की सार्वजनिक पहुंच के वैधानिक अधिकारों के महत्व पर भी बल देता है। स्टॉप हालांकि, कौमा, निर्बाध सूचना उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता केवल तभी प्रभावी होगी जब वह वाकई में सार्वभौमिक होगी। स्टॉप दूसरे शब्दों में, कौमा, जब इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। स्टॉप इसीलिए हम दुनिया के सभी देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इस क्षेत्र में कानून बनाएं और कानून के क्रियान्वयन को मजबूत करने की गारंटी दें। स्टॉप सरकारों को सुरक्षित और पारदर्शी डेटा संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए, कौमा, अकाउंटिंग में मजबूती लानी चाहिए ताकि सटीक विश्लेषण हो सके। स्टॉप सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय निजता संबंधी मानकों के मुताबिक इन प्रयासों में तालमेल बैठाना चाहिए। स्टॉप यूनेस्को में, कौमा, हम दृढ़ता से विश्वास रखते हैं कि सूचना की सुलभता सतत विकास के स्तंभ तथा सभी मानवाधिकार के उन्नयन और संरक्षण के रूप में समझी जानी चाहिए। स्टॉप जैसे हम सामान्य चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज को अनुकूल बनाते हैं, कौमा, वैसे ही सूचना का अधिकार अधिक सुविज्ञ और लचीले भविष्य को सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के केंद्र में होना चाहिए। स्टॉप इन्हीं प्रयासों के तहत यूनेस्को व उसके सहयोगी संस्थान 28 और 29 सितंबर को इस संबंध में 6 ऑनलाइन वेबिनार करेंगे जिनमें सूचना तक पहुंच के लिए कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया जाएगा। स्टॉप पैरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान 4 देशों का गठबंधन क्वाड भी चर्चा में आया। स्टॉप पहली बार चारों देशों के
प्रमुख क्वाड को लेकर आमने सामने मिले स्टॉप। चीन का मुकाबला करने के लिए भी क्वाड एक मजबूत संगठन माना जा रहा है। संपूर्ण विराम।